देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 21 दिन की फरलो के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बुधवार शाम को रोहतक की सुनारिया जेल में वापस लौट आया। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो मिली थी। फरलो की अवधि के दौरान वह उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहा। 3 सितंबर तक ही राम रहीम की फरलो मान्य थी। रोहतक पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम से रोहतक की सुनारिया जेल वापस लेकर आई। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 2017 में साध्वियों से यौन शोषण मामले में सजा सुनाई गई थी। साथ ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास होल्याण की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।